CAA, NRC और NPR के अगेंस्ट में एक देशव्यापी अलायंस हो चुका है। इस देशव्यापी अलायंस की एक मीटिंग परसों मुंबई के अंदर 10 तारीख को हुई और इस अलायंस अगेंस्ट CAA, NRC, NPR के खिलाफ में पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उन सभी नागरिकों का हमने इस मंच पर स्वागत किया है। जो आने वाले भारतीय नागरिक है उसका भी स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। स्टेट के हद तक की बात जहां तक है एंड NPR के चीफ कोऑर्डिनेटर बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BG कोलसे पाटिल साहब को उस दिन मुंबई के अंदर मराठी पत्रकार भवन में जो मीटिंग हुई और कम से कम 100 से ऊपर अलग अलग संगठनाएं और पार्टियां वहां पर हाजिर थी, उन्होंने यूनानिमसली BG कोलसे पाटिल साहब का चीफ कोऑर्डिनेटर बोल के वहां पर सिलेक्शन किया है। बाकी पदाधिकारियों की उसमें सिलेक्शन हुआ है। कल हमने औरंगाबाद में औरंगाबाद की एक कमिटी गठित की है जिनके कोऑर्डिनेटर वाकेकर साहब को कल यूनानिमसली बनाया गया है। ये मीटिंग कल हमारे इंजीनियर साहब कादरी साहब ने बुलाई थी जमाते इस्लामी की ओर से, उसमें सभी धर्मों के संगठन और पार्टियां सहभागी सम्मिलित हुए थे। तो साथियों, ये जो CAA, NRC और NPR का जो मसला है, इस देश में इस कानून की आज की डेट में कोई जरूरत नहीं थी, ना किसी की मांग थी, ना इस NRC और NPR के तहत से आने वाले कुछ दिनों में ये मांग भी करने वाले हैं कि कल केरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की कि यह कानून को रद्द किया जाए। वैसे हम हर एक चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे राज्य के कि भाई जैसा केरल राज्य ने स्टैंड लिया है वैसा आप भी स्टैंड लीजिए और आप भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दीजिए और ये कायदा जो है, ये कानून जो है, ये काला कानून जो है, इसको रद्द करने की प्रेयर उसके अंदर रखिए। ये भी एक मांग हम चलाने वाले। दूसरी एक बात, हमारे कल भाई साहब ने एक अच्छा एक बात रखी। उनका कहना ये था कि अभी परसों 26 जनवरी है, 26 जनवरी के दिन हम पूरे देश में या पूरे राज्य में एक ऐसा प्रयोग करने वाले हैं कि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय, ये राष्ट्रगान को हम जहीं कहीं भी है हम कॉल देकर इसको सब धर्मियों के भाइयों के साथ में हाथ में तिरंगा लेके ये जन गण मन राष्ट्रगान हम गाने वाले हैं। कल हमारे मीटिंग में ये भी बात तय हुई है। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये संगठन ये भी प्रयास करेगा कि अभी 9 दिसंबर से लेकर आज तक हमने हजारों के तादाद में आज तक डेलीगेशंस राष्ट्रपति को भेजे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेजे हैं, गृह मंत्रालय को भेजे हैं, सबको भेजे हैं, लेकिन आज तक ना कोई प्राइम मिनिस्टर ना कोई होम मिनिस्टर इसके ऊपर कोई गंभीरता से ले रहा है। संविधान प्रेमी लोग याच्या विरोधात काम करत आहेत आणि हे काम करण्यासाठी प्रत्येक गाव खेड्यापर्यंत प्रत्येक नागरिकापर्यंत जे लोक संविधान प्रेमी, जे लोक देशाला मानणार आहेत, जे लोक देशभक्ती काम करणाऱ्या लोकांच्या विरोधात आहेत, अशा लोकांना संघटित करण्यासाठी, अशा लोकांना एज्युकेट करण्यासाठी आणि सरकारला जागरूक करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक अलायन्स उभी राहील आणि ह्या अलायन्सनं एक संदेश देऊ इच्छिते की कुठल्याही पक्षाचा जरी असेल, कुठल्याही संघटनेचा जरी व्यक्ती असेल, तर तो जो या राष्ट्राला मानतो, त्याचं भारतावर प्रेम आहे,
ज्याचं संविधानावर प्रेम आहे अशा सगळ्या लोकांना या अलायन्स मध्ये आपण इन्वॉल्व करत आहोत आणि ते लोक आपला जो कुठला पक्ष असेल मग तो भाजपाचा जरी असेल आणि त्याला जर असं वाटत असेल की तो संविधानाला मानतो या देशाला मानतो तरी सुद्धा या अलायन्स मध्ये येऊ शकतो कारण आम्ही कुठल्या जाती धर्माला कुठल्या पक्षाला विरोध करण्यासाठी अलायन्स स्थापन केलेलं नाही तर हे अलायन्स स्थापन यासाठी केलं की भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच काळा कायदा किंवा संविधान विरोधी कायदा तयार झाला असे कायदे वारंवार निर्माण झाले आर्टिकल 14 जर उल्लंघन होत असेल तर असा कुठलाही कायदा यानंतर भविष्यातही पारित होऊ नये आणि झालेला कायदा वापस घेण्यात यावा यासाठीच हे अलायन्स तयार आहे यासाठी आदरणीय नायब साहेब याचे राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर आहे त्यासोबत मुस्तफा फारुकी आहे आणि स्टेट लेवलला माजी न्यायमूर्ती आदरणीय कोळशे पाटील साहेब ते या राज्याचे कॉर्डिनेटर आहेत जे कॉर्डिनेट करून सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना सगळ्या पंथाच्या लोकांना मग त्यात शीख समुदाय असेल क्रिश्चन समुदाय असेल बौद्ध समाज असेल सगळ्या लोकांना आपण नुवान अलायन्स मध्ये करत आहोत त्याचाच पाठ म्हणून काल औरंगाबाद शहरामध्ये आपण औरंगाबाद शहराची कमिटी गठीत केली आहे विशेष म्हणजे या सरकारने जे गोष्टी केल्या त्या सगळ्याच गोष्टी ज्या ज्या देशात योग्य त्याच्या विरोध करण्यासाठी आम्ही काम करतोय आणि सरकारचा कायदा पारित करण्यासाठी जे जाणीवपूर्वक जनतेच्या समोर एक वेगळा संदेश दिला तो संदेश म्हणजे असा आहे की जे लोक वाचत नाही कायदा समजत नाही किंवा सरकार त्याला गुमराह करण्यात आलं की हा कायदा मुसलमान विरोधी आहे असं जर अफवा पसरवण्यात आली ही अफवा आहे कारण हा कायदा केवळ मुसलमानाच्या विरोधात नाही मुसलमान त्यातून छुटा पाडले पण खऱ्या अर्थाने हा जर कायदा कोणाच्या विरोधात असेल तर हिंदू लोकांच्या विरोधात जास्त आहे हिंदू लोक म्हणजे जे ओबीसी बिलॉंग करतात जे एसटी बिलॉंग करतात जे एससी बिलॉंग करतात या सरकारचा जो मनुष्यबळ आहे तो असा आहे की त्यांना अमर्यादा अधिकार द्यायचे आहेत आणि अमर्याद दिवस हजारो वर्ष त्यांना इथं सत्ता करण्याची इच्छा आहे आणि म्हणून त्यांनी आपल्याच लोकांना ज्या लोकांना असं वाटतं की मुसलमान इथून हकलले पाहिजे असे जाणीवपूर्वक भावना तयार करते लोकांमध्ये आणि हिंदू संख्या त्यांची ओटीची संख्या जास्त आहे अशा लोकांना हे बरं वाटण्यासाठी त्यांनी हा वातावरण आपल्याचं वातावरण तयार केलं जे वातावरण आम्ही बदलू इच्छितो आणि 80-85 करोड लोक ज्या लोकांना गुमराह करून त्यांच्याच विरोधात सत्ता करायची त्याच हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हाँ दूसरों को भी शेयर करें।